The internet is full of bro science fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So, subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, Sat Sri to I am Dr. Paramjeet you Dr. Education. Friends, so today's topic is atrial septal defects. मतलब बच्चों के दिल के अंदर अगर छेद हो दिल में छेद हो हार्ट में होल हो तो उस बीमारी में जो सबसे कॉमन डिफेक्ट आता है देखो बहुत सारे इफेक्ट हैं, एट्रियल और वेंट्रिकुलर अब इसका थोड़ा तोड़ते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है हार्ट के ऊपर के देखो हार्ट में क्या होता है देर आर टू डिविजन हार्ट में डिफेक्ट्स हो, होते हैं ऊपर दो हिस्से होते हैं छोटे वाले नीचे दो बड़े हिस्से होते हैं ठीक है ठीखे? सो ऊपर जो दो छोटे हैं उनके बीच में जो वॉल है दीवार है उसको कहते हैं ये एट्रिया है एट्रियम के बीच में वॉल को बोलते हैं एट्रियल सेप्टम इंटर एट्रियल सेप्टम तो अगर उसमें छेद हो तो उसको बोलेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट सिंपल उसमें छेद हो और ये नीचे वाले दो वेंट्रिकल के बीच में दीवार में छेद हो तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ठीक है डिफेक्ट बेसिकली <स्याग> यानी कि बचपन से होगा ये ज़्यादा मतलब बाद में तो होगा नहीं बचपन से होगा होगा तो नहीं तो नहीं होगा so, सो <स्याग> होता क्या है जो बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तो ये जो वॉल होती है ना इसमें ऑलरेडी एक छेद होता है एट्रियम के बीच में एट्रियल सेप्टम में छेद होता है और ये छेद के अपर हिस्से में होता है क्यों होता है लेफ्ट से राइट क्योंकि बच्चे का सर्कुलेशन अलग है आपका सर्कुलेशन जो बाहर पैदा होने के बाद अलग होता है क्योंकि बच्चे के अंदर जो है उसके फेफड़े सांस नहीं ले रहे सोच के देखो बच्चा माँ के पेट में है और पेट में पानी है पानी के अंदर वो सांस नहीं ले रहा होता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन जा रहा होता है माँ के खून से जा रहा होता है तो माँ का खून बच्चे के खून में जा रहा होता है मिल रहा होता है वहां पे उसके सर्कुलेशन से तो बच्चे के अंदर माँ के थ्रू ऑक्सीजन जा रहा होता है सांस फेफड़ा जो होता है वो जब बच्चा पैदा होता है जब वो पहली बार रोता है तब सांस फेफड़े खुलते हैं उसके और तब वो सांस लेना शुरू होता है ठीक है तो अब तब तक जो हार्ट के दो हिस्से हैं राइट वाला हिस्सा जो डी ब्लड आपके लंग से लेके आता है वो कोई काम नहीं कर रहा राइट वो लंग से कुछ नहीं लेके आ रहा तो वहां पे खून जो है वहां का जो सर्कुलेशन है वो भी लेफ्ट साइड के हिस्से से थ्रू द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट वहाँ पे जो छेद होता है उसके थ्रू जाता रहता है सो so, बचपन में माँ के पेट में उसके अंदर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो है वो उसका एक काम है ये हर एक में मोस्ट लोगों में पैदा होते ही बंद हो जाता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जैसे ही आप पैदा होते हैं आपका जो डिफेक्ट है ये बंद हो जाता है डिफेक्ट खत्म हो जाता है लेकिन कुछ लोगों में ये नहीं बंद हो पाता कुछ लोग जिनमें नहीं बंद हो पाता उसको बोलते हैं ए एस डी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट राइट अब इसमें क्या है इसमें मेडिकल भाषा में दो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं एक होता है प्राइमम एक होता है सेकेंडम राइट प्राइमम और सेकेंडम जो है ये सिर्फ इतना है कि जो वॉल है जो दीवार है उसके उसके ऊपर का हिस्सा है कि नीचे का हिस्सा है अगर नीचे का हिस्सा है जो एकदम वेंट्रिकल के से लग के है जो वेल्व से लग के है तो वो जो होता है वो वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमम लिंक टू द वेंट्रिकुलर सेप्टम के एकदम पास होता है तो उसको प्राइमम बोलते हैं और ऊपर होता है तो सेकंडम बोलते हैं तो छेद के ए के पोजीशन पे हिसाब से प्राइमम और सेकंडम बोल देते हैं उससे थोड़ा ट्रीटमेंट में फर्क पड़ता है क्योंकि तो अगर वो एकदम वेंट्रिकल से चिपक के है तो कई बार उसमें जो है उसमें ट्रीटमेंट करना उसमें एक कुछ फंसा देना एक वेल्व जैसा उसमें जो सेप्टल प्रोस्थेसिस uh, होता है वो फंसा देना मुश्किल हो जाता है अगर उसके में अटैचमेंट करने की जगह नहीं हो तो वो ट्रीटमेंट में आता है क्योंकि इसका मोस्टली ए का जो ट्रीटमेंट होता है ऑपरेशन होता है तो वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो बात की बात है पहले समझते हैं किसी के अंदर अगर ऐसा कोई छेद हो तो होगा क्या अगर आपके बचपन से पहले छेद हो जब जन्म होने से पहले छेद हो तब तो उसका काम है लेकिन जन्म होने के बाद छेद हो तब आपके एक इंसान के अंदर दो सर्कुलेशन चल रहे हैं राइट एंड लेफ्ट उसमें हो क्या जाता है जो छोटा सा डिफेक्ट है वो अगर दो दो ऑप्शन है या तो बहुत ही छोटा डिफेक्ट है इतना छोटा है पांच मिलीमीटर से छोटा है अगर छेद तो बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं करेगा या फिर सिम्टम्स होंगे बहुत बड़े होके मिडल एज में जाके जब आप बड़े हो गए शादीशुदा हो रहे तब तब आपको इमोशन चालू तब आपने देखा रहे इसमें तो छेद है एक हिस्सा बड़ा और खा सो छोटा <coughs> सा छेद होता है तो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते लेकिन अगर छेद बड़ा हो या अगर छेद से प्रेशर ज्यादा हो और या बड़े होने के बाद भी आते हैं तो क्या लक्षण याद रखिए हार्ट का काम है पंप करना और अगर हार्ट में कहीं भी पंपिंग में एक खासा छेद हो जाएगा पंपिंग के थ्रू वहां से नहीं जा पाएगा तो आपको सांस फूलेगा तो एक तरीके से वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में हार्ट डिफेक्ट के वजह से हार्ट फेलियर हो रहा तो हार्ट फेल होगा मतलब हार्ट कमजोर हो रहा है हार्ट उतना काम नहीं कर पाएगा तो दौड़ते भागते आपका सांस फूलेगा सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम हियर के आपका सांस फूलेगा ब्रीदिंग डिफिकल्टी डिस्निया ठीक है द सेकेंड इज कि बार, बार 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 बच्चे को या बड़े होने होते हुए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लंग के अंदर इंफेक्शन बार बार होगा द थर्ड इज बच्चे को पल्पिटेशन हो सकते हैं इसीलिए पाल्पिटेशन वाले हर पेशेंट के लिए इको कार्डियोग्राफी करके देखा जाता है कहीं हार्ट में कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है कहीं हार्ट में कोई छेद तो नहीं है कोई और चीज तो नहीं है राइट right? उसके अलावा डिस्निया <coughs> ऑन एक्सर्शन होगा यानी चलने फिरते पे आपका सांस ज्यादा फूलेगा तो अगर आपको सांस फूल रहा है पाल्पिटेशन है तो आप पहले इको जरूर करवाएं हार्ट की इको इसी चीज के साथ हार्ट के साउंड्स भी बता देते हैं क्योंकि जब भी हार्ट में ऐसा कोई छेद होगा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट तो हार्ट में जितना साउंड आता है उससे एक एक्स्ट्रा साउंड आएगा उस स्टेप्टल उस छेद में से जब खून जाएगा उसका अलग साउंड आएगा जो हम स्टेटोस्कोप से सुन सकते हैं तो एबनॉर्मल हार्ट साउंड आएगा मरमर आएगा उसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन में साइंस होंगे हार्ट फेलियर के पैरों में सूजन हो सकता है मतलब लेट स्टेज में होगा आपके सांस फूलेगा ऑर्थोपनिया सीधा लेटने पे सांस फूल सकता है छाती में क्रेप हो सकते हैं यानी कि आवाज़ें हो सकती हैं चेस्ट कंजेशन हो सकता है और इको कार्डियोग्राफी में आपको छेद दिख जाएगा कि उस वॉल में छेद है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी दिख जाएगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी दिख जाएगा सो तो इको कार्डियोग्राफी आपको करनी होती है इसके अलावा ई <coughs> होती है रिदम एबनॉर्मलिटीज के लिए कभी कभी कार्डियक एम एंजियोग्राफी कार्डियक एंजोग्राफी या फिर अगर इको कार्डियोग्राफी जो ऊपर से करते हैं उसमें सही से नहीं दिखा तो ट्रांस ईसोफेजियल इको कार्डियोग्राफी मतलब मुंह के अंदर से एंडोस्कोप डाल के वहाँ से हार्ट के एकदम पास पीछे जाके वहाँ से इको कार्डियोग्राफी करके क्लियर पिक्चर बना के देख सकते हैं कि हार्ट में कहाँ छेद है कितना बड़ा है कितना प्रेशर है और उसका क्या किया जा सकता है ट्रीटमेंट उस पर डिपेंड करेगा अगर तो कोई सिम्टम नहीं है कोई लक्षण नहीं है छोटा सा छेद है तो वेट एंड वॉच नो स्पेशल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड सिर्फ हार्ट रेट कंट्रोल करना होता है हार्ट और ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो छोटे से छेद से प्रेशर बढ़ेगा हार्ट रेट बढ़ेगा तो हार्ट के ऊपर फेल होने का चांसेस बढ़ेगा तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए इफ़ नीडेड दवाई दी जाती है फिर अगर तो एबनॉर्मलिटी आती है अगर हार्ट फेलियर हो रहा है तो हार्ट फेलियर का भी ट्रीटमेंट यही है आपको डायोरेटिक्स दिए जाते हैं हार्ट रेट कंट्रोल किया जाती है ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है और ये हार्ट फेलियर को पहले कंट्रोल किया जाता है अगर हम हार्ट अगर हार्ट फेलियर भी नहीं है लेकिन बहुत बड़ा है छेद कि इसका ऑपरेशन होना चाहिए तो ऑपरेशन होता है ऑपरेशन क्यों किया जाता है ताकि वो छेद बंद कर सके कब किया जाता है अगर डिफेक्ट बड़ा है या फिर उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है शंटिंग हो रही है और हार्ट का कोई हिस्सा जो है वो एबनॉर्मली बड़ा हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में उसमें ऑपरेशन करके उस छेद को बंद करना चाहिए उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर आते हैं प्रोसीजर में ए क्लोजर डिवाइस भी होता है जिसको बिना किसी छाती के ऑपरेशन के पैर से तार डाल के हार्ट के अंदर डाल के सीधा उसके उस छेद के अंदर वार डाला जाता है यहाँ से एक चीज़ खुलती है यहाँ से एक चीज़ खुलती है उसमें एकदम दोनों तरफ से बंद हो जाता है वो भी एक छोटा सा प्रोसीजर है बहुत आराम से बंद हो जाता है लेकिन उसके लिए दोनों तरफ में पकड़ने के लिए जैसे मैंने कहा दीवार होनी चाहिए अगर नहीं है तो फिर ओपन ऑपरेशन करना पड़ता है ओपन ऑपरेशन भी एक पॉसिबिलिटी चीज है और ऐसे ही कई सारे प्रोसीजर आते हैं जिसके बारे में आप सर्जन से डिस्कस कर सकते हैं सी टी वी एस सर्जन वो आप वो करते ऑपरेशन वो बताएंगे कि अगर आपके किसी के, के केस में ऐसा कुछ है तो उसमें कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं कौन सा सक्सेसफुल हो वरना क्या फायदा अगर आज ऑपरेशन किया और एक महीने बाद फिर वो छेद बन गया है कि नहीं ऑपरेशन so, सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा ये ऑपरेट करने वाला डिसाइड करेगा लार्ज और स्मॉल ए का क्या मायने होते हैं पांच एम mm से छोटा है तो वो स्मॉल है और आठ से दस एम mm है तो वो लार्ज है तो ला आठ से दस एम को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी पाँच से छोटा है तो उसको वेट एंड वॉच करेंगे कई बार आगे चल के बंद हो जाते हैं कई बार बड़े हो जाते हैं उम्र के साथ कह नहीं सकते कॉम्प्लीकेशन होंगे तो हार्ट फेलियर हो सकता है हार्ट में इंफेक्शन मायोकार्डाइटिस हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक हार्ट के साइज चेंज हो सकते हैं तो ये पूरी मायने हो गई आपके कंजनाइटल तो हार्ट डिजीज का इसके लिए टेस्टिंग ही सबसे बड़ा प्रिकॉशन है इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते ये बचपन से होता है तो होता है So thank you so much. Please do share this video, and if subscribe to the channel if you haven't already. This is Dr. Paramjeet. Stay connected. Stay healthy.